वेलकम टू प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लंगड़ा या सतत व्यंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बच्चे इसे बहुत ही घबराते हैं। देखिए, ये है आपका तीन स्टेप में भिन्न है, ये लीजिए आपका तीन स्टेप में भिन्न है ये, और ये जो ट्रिक है 3x प्लस में 2 अपॉन में 2x प्लस में 1, ये मैं आपको ट्रिक नंबर 1 बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर संख्या दी है, यहाँ जो संख्या दी है उसका आपको 3 से गुणा करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी 5 दिया है, तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15 और 2 = 17 और 5 × 2 = 10 और 11, इस प्रकार से है ना। आसान, बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ये 5 दिया है तो पहले हम निकाल लेते हैं अलग अलग, ये हो गया 3 × 5 + 2, 5 × 15 और 2 = 17। आगे है 2x + 1 बराबर 2 × 5 + 1, 5 × 10 = 11, है ना आसान। तो देखिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब अगला सवाल है इसी को, अब मान लीजिए यहाँ पर 9 होता तो कैसे करते, हमारा सूत्र तो यही है ना, 3x + 2 / 2x + 1। तो देखिए 3x + 2 यानी आपका 9 है, कितना है 9, तो 3 × 9 + 2 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 28, 9 × 3 = 27 और 2 = 29 बटे में। अब देखिए अपॉन 2x + 1 है, 2x + 1, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 × 9, x की जगह ये 9 आएगा प्लस 1, अब ये हो गया 9 × 18 = 19, कितना आसान है। ठीक है, कितना आसान है। अब इसको मैं एक सामान्य तरीका से बताऊंगा, जिससे आप उस तरीका को भूल जाए, इस ट्रिक को भूल जाए, तो उससे कर लेना, एक एक नियम से यानी साधारण तरीके से बता रहा हूं। देखिए, इस प्रकार के लंगड़ा भिन्न को नीचे से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 1 + 1/9, यहाँ ये हो गया 9 × 9, इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो ये हो गया आपका 10/9, 10/9। तो देखिए 1 + 1, ये आ गया आपका 1/10/9। ठीक है, ये आपका 10/9 यानी 1, 2, 3 तीसरी जो संख्या होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। इस प्रकार से 1 × 9 कितना कर सकते हैं इसको हम, 1 × 9, 1 × 9 ये हो गया, और जब 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। तो अब इसको इसको हल कर लेते हैं, 1 + 9/10, तो 10 लघुत्तम आ गया, इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखा, इसका गुणा करके यहाँ रख दिया, इसका गुणा करके यहाँ रख दिया, 19 × 10। अब हम देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है 19/10 आया, तो इसकी जगह हम 19/10 रख रहे हैं और 10 ऊपर घूम के चला जाएगा, तो ये 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 ही रह जाएगा और 19 नीचे, और फिर वही 19 लघुत्तम आ गया, इसका गुणा यहाँ कर दिया और इसका गुणा यहाँ कर दिया, 29/19। देखिए ये आपका ये कुछ सॉल्यूशन आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन हो, आप 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए,
कुछ भी लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है 1 2 3 1 2 3 केवल 3 स्टेप के लिए लागू है। और जो ये वाला नेम है, ये वाला जो नेम है, ये जो मैं नेम बता रहा हूं, ये आपको किसी भी प्रकार की लंगड़ा भेद के लिए लागू है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक पढ़ लेते हैं ट्रिक नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, ट्रिक नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, और ये आपका x है। देखिए ये ट्रिक भी, और ये बहुत ही आसान है, इसका ये लीजिए केवल x आ जाता है, यानी यदि माइनस हो तो जो नीचे वाली संख्या है वो ही आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें। ये लीजिए, ये आपका 3 स्टेप में होता है, कितने स्टेप होता है, 3 स्टेप में होता है। तो ये लीजिए 1 माइनस और 1 माइनस 1 अपॉन x, ये आपका 3 स्टेप में है, ठीक है। इसको यहां भी आप लगा सकते हैं और इसको यहां भी लगा सकते हैं, जैसे ये लीजिए ऐसे भी इसको आप सजा सकते हैं, ठीक है। पर सजाना ना सजाना क्या है, वो तो एग्जाम में अपने आप ही दिया होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में, तो इसे देखते ही आप इसे लगा देना। लेकिन इसका केवल 3 स्टेप में दिया हो और इस प्रकार का हो तभी ये लागू होता है। मैं आपको बहकाऊंगा नहीं, ये करके कह दिया कि ये सबके लिए लागू है और तुम बड़े खुश होकर गए, ये तो ये आंसर हुआ और आपने टिक कर दिया। नहीं, ये देखो यहाँ केवल 1 1 1 होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 केवल 3 स्टेप होना चाहिए। पहला जो प्लस वाला बताया वो भी 3 स्टेप ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार की भिन्न है और बटे में 7 है, तो आंसर आपका 7 आ गया इस ट्रिक से। मान लीजिए ये आपका 10 है, 10, तो आपका आंसर 10 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं आपको इसे एक एक नियम द्वारा बता देता हूं। सबसे पहले इस प्रकार की भिन्नों को नीचे से हल करना शुरू करते हैं। 1 माइनस 1 बटे 10, 10 का उत्तम ले लिया, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 9 बटे में 10, तो यहां भाई आपका 9 बटे में 10 आ जाएगा, 9 बटे में, ये आपका कितना आ जाएगा, 9 बटे में 10 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे यानी तीसरी जो स्टेप है 9 बटे 10 हो गया, इसको हम 10 ऊपर चला जाएगा, 10 बटे 9, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, 10 एकम 10, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब हम दोबारा से इस वाले स्टेप को हल करते हैं, इस वाले स्टेप को 1 माइनस 10 बटे 9 यहाँ एक रख लीजिए, तो 9 आ गया, 9 एकम 9 9 यहाँ आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1/9 आ गया, -1/9, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन -1/9 ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये और यहां से ये लीजिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, -1/10। तो मैंने बताया था आपको कि जब 1 2 3 1 2 3 3 स्टेप हो और जो लास्ट का अंक है वही आपका आंसर है। इसी प्रकार से अब हमारा ये सेशन खत्म हुआ और यहीं पर थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए।